बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय लर्न प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 51। टुडे गाइस वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट इनटू द फाइल। गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल में हम किस तरह अपने डेटा को राइट करवा सकते हैं। लेक्चर नंबर 50 जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फाइल हैंडलिंग क्या होते हैं, हम फाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइल के अंदर हम अपने डेटा को किस तरह राइट करवा सकते हैं। फाइल को राइट करवाने के लिए गाइस हम फाइल राइटर की क्लास यूज करते हैं। फाइल राइटर की जो क्लास है वो हमारे पास java.io पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हम यहाँ पे गाइस उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो गाइस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस यहाँ पे हम पैकेज इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज किया java.io. और यहाँ पे हम फाइल राइटर वाली क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे जो पैकेज है गाइस java.io, ये इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती है। अगर आप तमाम जो क्लासेस उनको इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ फाइल में राइट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप फाइल राइटर वाली जो हमारे पास क्लास है उसको जस्ट आप इम्पोर्ट करेंगे। गाइस ये हमने पैकेज इम्पोर्ट करवा ली। अब यहाँ पे गाइस जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है लेक्चर में 50 में बताया था कि हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ सकती है। मतलब हमारे पास जो यूजर है वो जो इनपुट है वो गलत दे सकते हैं या हमारे पास जो आउटपुट है वो गलत आ सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक्सेप्शन को यूज करेंगे। जो पैकेज है उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। एक्सेप्शन मैंने आपको कल भी बताया था, एक्सेप्शन हमारे पास जो होती है वो रन टाइम पे जो एरर आ जाती है उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो जब हमारे पास ये फाइल हैंडलिंग वाला टॉपिक कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेप्शन क्या होती है। गाइस यहाँ पे आपने सिंपल इंपोर्ट करवा देना है java.io.io exception। आईओ एक्सेप्शन यहाँ पे आईओ शो कर रहा है इनको और इनपुट को और ओ शो कर रहा है आउटपुट को। एक्सेप्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, रन टाइम पे जो एरर आता है वो हमारे पास एक्सेप्शन होती है। यहाँ पे हमने दो पैकेजेस इम्पोर्ट करवानी है। ये मैंने जो क्लास बनाई थी स्टार्ट पे पब्लिक क्लास राइट इनटू फाइल, अब क्लास का नेम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेन मेथड बना लिया है। अब गाइस यहाँ पे आपने आना है इसके मेथड के अंदर और यहाँ पे आपने जो फाइल राइटर की क्लास है उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन का जो पैकेज है वो इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक्स को यूज करते हैं। ट्राई में हमारे पास प्रोटेक्टेड कोड होता है, जो कैच में होता है इसमें हमारे पास वो कोड होता है जिसमें हमारे पास एरर वगैरह आ सकता हो। तो गाइस यहाँ पे हमने ट्राई और कैच ब्लॉक सिंपली बना लेने। आप सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम फाइल बना रहे हैं या उस पर राइट करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं तो हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है। यहाँ पे हमने जस्ट आपने सिंपल जो एक्सेप्शन वाला है जो पैकेज है वो इंपोर्ट करवा देना है और देन ट्राई और कैच में आपने सारा अपना प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे ट्राई का हमने कीवर्ड यूज किया, इसकी बॉडी के अंदर आपने जो फाइल राइटर वाली क्लास है उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो गाइस यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फाइल राइटर माई राइटर। आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी सकते हैं। आप मैंने जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास माई राइटर, इक्वल का साइन न्यू का कीवर्ड लगाना है। फाइल राइटर का जो बाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो आपने यहाँ पे कॉल करना है। अब इसके जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपने फाइल का नेम लिखना है, उस फाइल का नेम जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो गाइस जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी फाइल माय फर्स्ट फाइल, उसी फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फाइल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने क्रिएट की हुई है ये मेरी प्रीवियस वीडियो की जो फाइल है। तो इसमें आज हम देखेंगे किस तरह हम इस पर डाटा राइट करवा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये खाली है। तो यहाँ पे हम अब इक्लिप्स में चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने इस फाइल का जो भी नेम है, यहाँ पे माय फर्स्ट फाइल है ये एज इट इज विद एक्सटेंशन आपने अपने प्रोग्राम में यूज करनी है। एज इट इज डबल कोट्स में आपने लिखना है माय फर्स्ट फाइल, जो भी आपका फाइल का नेम है वो लिखना है। माय फर्स्ट फाइल में यहाँ पे लिख रही हूँ .txt एक्सटेंशन है। लास्ट पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। अब यहाँ पे गाइस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई फाइल राइटर क्लास का माई राइटर, अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अपनी फाइल में राइट करवाना है। माई राइटर डॉट राइट, अब यहाँ पे आपने डबल कोर्स के अंदर जो भी आप राइट करवाएंगे वो फाइल में राइट होता जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम डबल कोर्स के अंदर लिखते हैं वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग। आप कुछ भी अपनी फाइल में स्टोर करवा सकते हैं। वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस यहाँ पे हमने ये प्रिंट राइट करवा दिया अपनी फाइल में। अब हमने क्या करना है, इस फाइल में राइट करवा दिया। फाइल में राइट करवाने के बाद अब हमने यहाँ पे क्लोज का मेथड यूज करना है। क्लोज का मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास जो फाइल है उसमें हमने राइट करवाने के बाद हमारे पास जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया माई राइटर
डोंट क्लोज का आप जस्ट आपने यहाँ पे मेथड यूज करना है, यहाँ सजेशन यहाँ के क्लोज का मेथड यूज किया, अब हमारे पास जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। इसमें हमने राइट करवा दिया, वो हमारे पास जो फाइल है क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस, अब हमने कैच ब्लॉक में आ जाना है। कैच ब्लॉक में आने से पहले अगर आप यहाँ पे एक सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टेटमेंट को यूज करते हो, अगर आप प्रिंट करवा दें सक्सेसफुली इनटू द फाइल, गाइस ये मैंने जो लाइन अभी लिखी है ये हमारे पास ऑप्शनल होती है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। यहाँ पे मैंने लाइन जो लिखी है ये मैंने सक्सेसफुली रोड इन द फाइल ये इसलिए लिखी है कि जब हम अपने फाइल में ये वाला जो मैंने राइट कर वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग चैनल ये मैंने लिखवा दिया फाइल में, तो मेरी फाइल उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो मेरे पास जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे आउटपुट में मेरे पास ये शो हो के सक्सेसफुली रोड इन टू द फाइल, ताकि जो मेरे पास जो यूजर है उसको पता चल जाए कि जो फाइल में हमने डाटा लिखवाया है वो लिखा जा चुका है, और तभी ये मैसेज हमारे पास ये शो होगा। तो नेक्स्ट गाइस, अगर आप ये वाली लाइन लिखना चाहते हैं लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो फिर भी कोई मसला नहीं, ऑप्शनल है। तो गाइस नेक्स्ट आपने कैच ब्लॉक में आ जाना है, यहाँ पे आपने जो है आईओ एक्सेप्शन उसका यहाँ पे आपने यूज करना है, उस क्लास को हमने यहाँ पे यूज करना है, उसका हमने अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आईओ एक्सेप्शन ई। यहाँ पे कैच ब्लॉक हमने बॉडी स्टार्ट की है और उसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टेटमेंट को यूज करते हुए एन एरर अगेन। लास्ट पे आपने सेमी कोलन लगा देना है। अब यहाँ पे ई डॉट प्रिंट ट्रेस प्रिंट स्टैक ट्रेस ये हमारे पास जो मेथड है ये हमने मेथड यूज करना है, ये हमारे पास मेथड जो होता है ये इसलिए हम यूज करते हैं, ये मेथड हमारे पास जो एरर्स है उनको हैंडल्स करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट के ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये हमने जो मेथड यहाँ पे यूज कर लिया है। अब आपने इस प्रोग्राम को कंट्रोल प्रोसेस से सेव कर लेना है गाइस, जहाँ से आपने इसको रन करना है। अगर हमारे पास ये मैसेज शो होता है सक्सेसफुली रोड इन टू द फाइल, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल में ये जो हमने लिखवाया है वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग चैनल ये लिखा जा चुका है। तो गाइस अभी हम जाते हैं उस फाइल में जो हमने बनाई थी पहले से, माई फर्स्ट फाइल पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये लिखा आ रहा है कि वेलकम टू लर्न प्रोग्रामिंग चैनल। होप सो गाइस आपको इस प्रोग्राम की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह हम अपनी फाइल में जो है डाटा वो राइट करवा सकते हैं। तो गाइस अब हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हम अपने फाइल में किस तरह डाटा को राइट करवा सकते हैं। वही चीजें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि अपनी फाइल में राइट करवाने के हम फाइल राइटर क्लास को यूज करते हैं। जो फाइल राइटर क्लास है वो हमारे पास जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर हम इस पैकेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं तो देन हमें फाइल राइटर की क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्रिएट करना है, और उसका फाइल जिस फाइल में हम डाटा अपना लिखवाना चाह रहे हैं, जिस फाइल में हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, इस फाइल नेम को हमने स्पेसिफाई कर देना है कि इस फाइल में हमें ये डाटा स्टोर करवाना है। और नेक्स्ट गाइस हमने क्लोज का मेथड यूज किया है कि हम फाइल में लिखने के बाद हमारे पास जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो उसके लिए हमने क्लोज मेथड को यूज किया है। होप सो गाइस आपको आज की वीडियो की समझ लग गई हो, अगर आपको आज की वीडियो की समझ लग गई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये स्लाइड्स या कोड वगैरह चाहिए होते हैं तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, उसका जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो फाइल हैंडलिंग वाला लेक्चर है लेक्चर नंबर 50 का जो लिंक है वो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।